पंजाब भाजपा वालों लोगों को जोड़न लई पंजाब जन संपर्क यात्रा शुरू की गई है। यात्रा क्यों शुरू करनी पई है बारे गल करने लई साडे नाल हैगे भाजपा प्रधान श्वेत मलिक जी। मलिक साहब, जन जागरण तुसी यात्रा शुरू की है, इस यात्रा शुरू करने के पिछे मकसद की है? जो असी यह यात्रा शुरू की है जन संपर्क जन जागरण यात्रा, ये मजबूर होकर की है क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है इन्हें झूठे लारे करके लोगों को गुमराह करके अपनी सरकार बना ली। अज सारे अपने आप को ठगिया महसूस कर रहे हैं। जो यूथ है वह कह रहा कैप्टन साहब कितने ने 32 लाख नौकरियां, अज जे दलित ने उन्होंने 12 लाख नौकरियां पूछ रहे हैं कैप्टन साहब कितने ने 12 लाख नौकरियां, अज जे सारे ही ने पंजाब के विद्यार्थी वो पूछ रहे हैं कितने ने 50 लाख मोबाइल, 90,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करने का इन्होंने जो वादा किया किसानों नाल वो भी पूरा नहीं किया। सो अज ये यात्रा का मकसद है और दूजा मेन मकसद है कि अज अपनी अक्षमता अपने फेलीयर नू छुपाने के लिए जो पंजाब नू कांग्रेस कल्चर रहा है कि जदों ये फेल हो जाते हैं फिर ये जाति के आधार पर वंडते हैं धर्म के आधार पर वंडते हैं। अज फिर पंजाब नू बारूद के ढेर से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू सिख एकता नू खतरा है, जो रेडिकल्स ने उन्होंने हैंड इन ग्लव्स ने ये लोग, क्योंकि रणजीत सिंह कमिशन की जो रिपोर्ट आई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगा नाल जो छेड़छाड़ हुई है असी उसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि जो दोषी ने उन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा मिले, पर सही दोषियों कांग्रेस द्वारा षडयंत्र बनाए दोषियों नहीं, क्योंकि जो कमिशन बनाया वो कमिशन के जोड़े गवाह से गवाह ही ये कह चुके हैं कि साढ़े को जबरदस्ती गवाही दवाई गई सूँ पढ़ाया नहीं गया, ये उन्होंने आरोप है। सो कमिशन की जेनविनिटी कमिशन की ईमानदारी के उत्ते ही आरोप लग चुके हैं। सो मैं पंजाब की जनता को चौकस करांगा कि कांग्रेस की उही चाल है जो कि पहले आतंकवाद आया सी उदों भी इन्हां दे नेता चाहे वह दरबारा सिंह जी सी चाहे ज्ञानी जैल सिंह जी उन्हां दी लड़ाई इन्हां दी इन फाइटिंग तो बाद आतंकवाद आया सी, अज भी कांग्रेस विच कुर्सी की जंग छिड़ी हुई है। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर उही कर रहे हैं इन्हां सारे मसलियां तो जनता का ध्यान अलग करन दे लई, फिर एक बार पंजाब नू वो जिहड़ी अग है जिहड़ी एक नफरत की अग है वो चौकिया जा रहा है। मलिक साहब, जो हालात बने हैं पंजाब के पिछले दिन जो जलंधर च हमला होया पुलिस स्टेशन के उत्ते, फिर उतो इस कश्मीरी छात्रा तो AK-47 मिलती हैं, कल बादल साहब के उत्ते हमले की जी साजिश है वो नाकाम हुई है, ये सारा तुम किस तरीके का देखते हो पूरा सिनारियो जरा पुरानी हिस्टरी नू रिपीट करन दी वाल? मैं पूछना सरकार कितने है? सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सौ रही है, जो मुख्यमंत्री ने वो दफ्तर नहीं जाते, मंत्री जड़े ने वो कितने नज़र नहीं आते, लोगों MLA लोगों तो डरते लोगों च नहीं जाते। अज ये सही मैनेज अघोषित एमरजेंसी है, इस कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने अपनिया जन विरोधी नीतियां नाल आम आदमी नू वेंटिलेटर पर पाता है और उन्होंने जीना दूबर करता है, आम आदमी की रीढ़ की हड्डी से प्रहार किया, पर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। लोगों की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी, लोगों के नाल और तद तक लड़ेगी जब तक लोगों लोग न्याय ना दे सकन और आने वाले लोकसभा चुनाव के एक कांग्रेसियों मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। इन्हों की जमानत जबत हो 13 दी 13 लोकसभा की सीटा श्रोमणी अकाली दल तो भाजपा जीतेगी। मलिक साहब, तुम क्या कि जनता की लड़ाई तुम सड़क के उत्ते आके लड़ोगे, पिछले 10 दिन तो टीचर्स जड़े हैं वो भुख हड़ताल से बैठे हुए हैं पटियाले दे विच, सरकार का कोई भी नुमाइंदा उत्थे हाले उन्हां हाल चाल जानन नहीं गया, कल मुख्यमंत्री वालों भी साफ कर दिया गया है कि टीचर की तनखाह दे विच कोई भी वादा जड़ा वो नहीं किया जाए। बड़ा वड्डा धोखा है, टीचर नेशन बिल्डर हुंदे ने, रब का स्वरूप हुंदे ने, अज वो टीचर सड़कों पर बैठे ने धोखे का शिकार होए, 45,000 रुपये तनखा लैने ने टीचर की तनखा 15,000 करती है, जबकि 24,000 तो केंद्र सरकार देती वो भी डकार गए ने वो चो 9,000 रुपये। सो ये बड़ा वड्डा अत्याचार है, 9,000 तो बाद टीचर जिहड़े ने अज स्कूल छड़ के सड़कों पर बैठे ने और फिर सरकार उन्होंने जिहड़ा डरांदी पई है उन्होंने धमकियां दे रही है। मैं समझना वा सरकार नू एक दिन भी अपने पद ते रहण दा हक नहीं है। BJP का की स्टैंड है इस ते? BJP का पूरा असी टीचर्स दे नाल, ये जो अत्याचार है असी जिहड़ी जन संपर्क यात्रा शुरू की उहदा मतलब ही ये है कि सरकार की लोक विरोधी जनता विरोधी जो सोच है जो नीतियां ने जो फेलीयर है वो जनता के घर घर जन जन तक पहुँचाना। एक तेल की कीमतों को लैके पिछले कई दिनों तो धोखा जो पंजाब की जनता नाल हो रहा है, केंद्र सरकार वालों 2.5 रुपये घट किए गए, तो जिथे भी BJP गवर्नमेंट से उतों 2.5 रुपये होर घटा के टोटल 5 रुपये की कटौती की गई, लेकिन पंजाब सरकार लगातार मीटिंग करती है कि मीटिंग दौर जा रही है मीटिंग दौर, कल मुख्यमंत्री वालों साफ कर दिया गया कि सिर्फ पेट्रोल तो ही है डीजल तो ही साड़ी जी कमाई होंगी है, असी अगर वो भी बंद कर देंगे उससे भी अगर असी कर देंगे तो पंजाब पूरी तरीके से आर्थिक हालत मंदहाली हालत चला जाएगा। कांग्रेस का जनता विरोधी जिहड़ा चेहरा है वो अज उहदा पर्दाफाश हो गया, क्योंकि ये तेल दे उत्ते अंदोलन कर रहे सी जिहड़ा एक दिखावा सी। अज मोदी जी नूं मैं बहुत बहुत धन्यवाद करांगा कि उन्होंने अपना
राज धर्म अपनाते हुए जो ये कटौती की है तेल के रेटा अपनी केंद्र सरकार की इनकम घटा के, पर पंजाब सरकार ने एक होर माफिया जन्म देता, वो तेल माफी है। अज पंजाब और चंडीगढ़ ही 10 रुपए पेट्रोल के उत्ते रेट का फर्क है, पंजाब हिमाचल और हरियाणा और जे एंड के तो पंजाब 8 रुपए का फर्क है। एक टैंकर 2000 लीटर का 2 लाख रुपए तो सीधा बचत होंगी है। तो मैं पहले ही कहा कि इन्हों का काम सरकारी खजाना भरना नहीं, इन्हों का काम तो है कांग्रेसियों का खजाना भरना। बहुत वड्डा जिहड़ा घोटाला है वो तेल दे उत्ते पंजाब दे विच हो रहा है, वो गवर्नर साहब नूं सी अज दस्सिया। मेरा आखिरी सवाल भी इसी तो जुड़े, तुसीं अज गवर्नर साहब नूं मेमोरेंडम दिता कि कहड़े कहड़ी मंगां नूं लैके गए? यही मंगा सीगियां कि पंजाब विच जो अज स्थिति आ गई है कि अज सही मैनेज पंजाब दा आम आदमी वेंटीलेटर ते है, पंजाब विच जीना दूबर करता है। और सब तो वड्डी गल है जिहड़ा धार्मिक एकता जी कम्यूनल हारमनी है वो उत्ते आघात कर रही है कांग्रेस, ये तो बहुत चिंता का विषय है। असं गवर्नर साहब को कहा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वरत के अलर्ट करन सरकार नू कि जो ये माड़ा काम लोगों ना करन जा रही है। धन्यवाद। बिल्कुल ये श्वेत मलिक जिन्हों ने साफ किया है कि जी कांग्रेस सरकार वालों लोगों नाल धोखा किया जा रहा है, उसी धोखे नू जनता दे विच उजागर करन लई भाजपा वालों जन जागरण यात्रा शुरू की गई। तो इस तो अलावा इन्होंने साफ किया है कि टीचर के नाल जी नाइंसाफी हो रही है, टीचर के नाल खड़े ने, तो पंजाब का माहौल एक बार फिर बिगाड़न की जी कोशिश है वो सरकार वालों की जा रही है। चंडीगढ़ तो कैमरामैन प्रवीण पांडे के नाल अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा टीवी।